लेट्स गो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गाइस आप देख रहे हो भाई साहब मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ फैट लॉस करने के लिए। दरअसल गाइस मेरे एक दोस्त ने कल ही मुझे कहा था कि भाई जब भी लॉस एंजेलोस के अंदर बारिश चालू हो जाए तभी भाई साहब रास्ते के ऊपर निकल जाना भाई भीगते भीगते जॉगिंग करने के लिए। दरअसल गाइस उसने कहा कि यार बारिश के अंदर जॉगिंग करने से भाई फटाफट से फैट लॉस होता है, इसलिए भाई मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ गाइस अपना सारा का सारा फैट लॉस करने के लिए। और इसके बाद में भाई तुम्हारे भाई की बॉडी बनने वाली बॉडी भाई सब लोग देखकर पागल हो जाओगे, ऐसी बॉडी बनाऊंगा मैं। बट यार फिलहाल के लिए गाइस आपको बताया मैं आता लॉस एंजेलोस घूमकर आया यार इस बारिश के अंदर। बस यार इसी बात का डर है कि भाई मुझे जुकाम ना हो जाए, अगर भाई जुकाम हो गया ना भाई पूरे 2 या 3 दिन तक मैं बेड से उठने नहीं वाला यार, तब तो भाई यार इससे भी ज्यादा फैट चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। बट यार फिलहाल तो गाइस यार मैंने यार आता लॉस एंजेलोस घूम तो लिया है फिलहाल के लिए, और अब एक काम करता हूँ पड़ा यहाँ से भागते भागते अपने घर पे चलता हूँ। वैसे भी यार भाई की सुबह से भीगते जा रहा हूँ यार भीगते जा रहा हूँ, अगर भाई मैं बीमार पड़ गया भाई दिक्कत होने वाली है, इसलिए भाई चलो यार पड़ा अपने घर पे चलता हूँ और जाकर भाई सीधा मस्त गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगा भाई मजा आएगा। बट यार एक सेकंड भाई ये कौन कॉल कर रहा है मुझे अभी यार, भाई बारिश में भी लोगों को शांति नहीं है भाई कभी भी उठ कॉल करने लग जाते हैं। एक सेकंड भाई ये तो सिंचान के घर से कॉल आया ना, अब हाँ यार ये तो सिंचान के छोटे भाई का कॉल है पिंचान का, अब यार ये ऐसे टाइम पे क्यों कॉल कर रहा है, रुको भाई उठाकर देख ही लेता हूँ। बट यार पहले तो भाई थोड़ा साइड में चलता भाई कहीं मेरा फोन बिककर खराब ना हो जाए, अभी इसका कॉल उठाता हूँ। हाँ भाई बोल पिंचान कैसा है तू, अरे यार फ्रेंकी भी आप क्या, अरे बिल्कुल भाई पिंचान मैं हूँ, बता भाई आज कैसे कॉल किया तूने मुझे, अरे यार फ्रेंकी भी आप एक काम करो पड़ा सिंचान भैया को लो और यार पड़ा गाँव में चले आ जाओ। पर क्यों भाई गाँव में क्या है तुम लोगों ने भाई अपनी फसल काटी क्या, अरे नहीं नहीं फसल वसल कुछ भी नहीं काटी, अब यार मेरे पापा को कुछ गुंडे पकड़ के लेके गए उनको यार बचाना है, प्लीज यार तुम घर पे आ जाओ ना। क्या कहा भाई गुंडे पकड़ के ले गए, हाँ फ्रेंकी भी आपको बताया मेरे पापा ने एक बार बहुत बड़ा कर्जा ले रखा था, उसी कर्जे के बारे में बात करनी है, और आप एक काम करो यार ज्यादा बात मत करो सीधा यहाँ पर चले आ जाओ, मेरी मम्मी सुबह से रोई जा रही है। अरे हाँ ठीक है भाई आता हूँ, अरे हाँ थोड़ा जल्दी आओ, अरे बिल्कुल भाई आऊंगा यार। यार गाइस तुम लोग देख रहे हो कौन सी नई मुसीबत खड़ी हो गई, भाई साहब सिंचान के पापा को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया, अब यार ये कैसे पॉसिबल है भाई, अब यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट यार पहले तो जाकर सिंचान से बात कर लूं कि भाई साहब उन लोगों ने कौन सा कर्जा ले रखा था भाई, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है। अरे भाई सिंचान मुझे एक बात बता भाई तेरे पापा ने कोई कर्जा ले रखा है, अरे नहीं यार फ्रेंकी आपको किसने कहा मेरे पापा ने कर्जा ले रखा है, अब मुझे अभी पिंचान का कॉल आया था सब कुछ सच सच बता भाई, मुझे छुपाने की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बार फ्रेंकी आपको पता है जब यार मैं छोटा था ना 1 साल का, तब यार हमारे पास कोई भी रहने के लिए घर नहीं था और ना ही खाने के लिए पैसे थे, तो यार उस टाइम पे मेरे पापा ने डगन बॉस से पूरे 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यहाँ का 100 करोड़ का लोन, हाँ बिल्कुल यार उस टाइम पे हमारे पास कोई छत नहीं थी, तो यार मेरे पापा ने सोचा चलो यार 100 करोड़ का कर्जा लेता हूँ और उसके बाद में एकदम मसाला घर खरीदूंगा। अच्छा मतलब अभी तुम्हारे पास वही बड़ा सा घर है वही खरीदाएगा तुम लोगों ने 100 करोड़ में, हाँ बिल्कुल यार हम लोगों ने उसको 80 करोड़ में खरीदा था और यार बाकी के 20 करोड़ के हम लोगों ने मजे किए। यार क्या लोग तुम लोग, तो भाई मुझे अभी एक बात बता भाई सिंचन तुम लोगों ने कितने पैसे चुकाए उसके, मुझे तो कुछ भी नहीं पता फ्रेंकी भाई, मुझे लगता है हमें जाकर पूछना पड़ेगा। अब यार मुझे अभी पिंचान का कॉल आया था, उसने मुझे कहा कि भाई तेरे पापा को डगन बॉस ने पकड़ लिया है। क्या कहा डगन बॉस ने पकड़ लिया, पर क्यों, अरे भाई वो तो इसलिए पकड़ा होगा ना क्योंकि भाई तुम लोगों ने उसके पैसे नहीं लौटाए। अब हाँ भाई करवा बिल्कुल सही बोल रहा है सिंचन, लगता तो ऐसा ही है भाई इसलिए पकड़ा होगा। अरे यार तो चलो यार यहाँ पर क्यों रुके पड़ा चलते गाँव में, अरे हाँ भाई गाँव में तो जाना है। बट यार मुझे एक बात बता भाई सिंचन हम लोग वहाँ पर जाकर करेंगे क्या यार, तेरे पापा को कैसे बचाएंगे, अगर यार हम लोगों ने उस डगन बॉस को 100 करोड़ नहीं दिए फिर तो भाई वो तेरे पापा को छोड़ने नहीं वाला, चलो ना यार कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे, वैसे भी यार यहाँ पर रुककर क्या ही होने वाला है। अबे हाँ यार तूने सही कहा, वैसे यार पिंचान ने कहा कि भाई तेरी मम्मी बहुत ज्यादा रो रही है सुबह से, क्या कहा मेरी मम्मी रो रही है, थोड़ा यार जल्दी चलो यार फेंकी मैं अब तो मुझसे रुका नहीं चाह रहा। अबे हाँ तो आ जा यार फटाफट से बैठ जा कार के अंदर, हाँ चलो आइए रहा यार। गाइस तुम लोग देख रहे हो सिंचान के पापा को भाई गुंडे ने पकड़ लिया है, अब तो गाइस यार मुझे भी नहीं पता वहां पर जाकर क्या होने वाला है। बट यार चलो भाई यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, फटाफट से चलते भाई सिंचान के गाँव में और जाकर भाई कोई ना कोई तो रास्ता निकालते सिंचान के पापा को बचाने के लिए। बट यार गाइस अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब मैं वहां पर जा ही रहा हूँ तो यार जाकर मैं खुद ही 100 करोड़ क्यों नहीं दे देता, भाई मेरे पास 100 करोड़ है ही नहीं यार मैं कहां से दूंगा उनको, आकाश भाई मेरे पास 100 करोड़ होते ना गाइस मैं सिंचान के पापा को ऐसे चुटकी बचाते ही बचा लेता यार। बट यार गाइस कोई बात नहीं यार कोई ना कोई तो रास्ता निकालेंगे और भाई सिंचान के पापा को बचा ही लेंगे। बट यार फ्रेंकी भाई मुझे ऐसा लगता है वो जो डगन बॉस है ना वो यार बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर उसने मेरे पापा को मारा होगा तो, अरे भाई सिंचान तू फिकर मत कर मैं हूं ना तेरे साथ भाई, मैं भी देखता हूँ तेरे पापा को कैसे हाथ लगाता है। अच्छा ठीक है तुम चलो यार पड़ोस के घर पे, अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मुझे पड़ोस से जाकर अपने मम्मी से मिलना है। अब बिल्कुल भाई मिलाऊंगा। बट यार गाइस आप लोग भी चाहते हो कि भाई सब सिंचान के पापा को मैं और सिंचान मिलकर पड़ोस से बचा ले, तो एक काम कर दो भाई पड़ोस इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस जब तक हम लोग सिंचान के गाँव में जाते हैं उससे पहले गाइस यार मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के अंदर। तो गाइस आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने गुरु साहिल भाई को, इनका बर्थडे आता है 3 जुलाई को, तो गुरु साहिल भाई आपका बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार गुरु साहिल भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया हैप्पी बर्थडे एडवांस आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने सार्थक भाई को, इनका बर्थडे आता है 17 जून को, तो
सार्थक में आपका बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है। यार आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे भाई आपके बर्थडे के लिए। और गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जो आपने हमजा भाई को, इनका बर्थडे आता है 7 नवंबर को, तो हमजा भाई आपका बर्थडे बड़ा लेट आने वाला है। फिर भी यार हमजा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको भी यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया हैप्पी बर्थडे भाई आपके बर्थडे के लिए। और गाइस आपको मेरे वीडियोस के अंदर से शाउट आउट चाहिए तो एक काम कर देना भाई, फटाफट से कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना ताकि गाइस यार मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट दे सकूं अपने वीडियोस के अंदर। बट यार आओ गाइस अभी एक काम कर दे, फटाफट से चलते सिंचान के गांव में और जाकर भाई कोई ना कोई तो रास्ता निकालते सिंचान को पापा को बचाने के लिए। लेट्स गो। अरे फ्रैंकली भैया थोड़ा जल्दी पकाओ ना यार, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अरे हाँ भाई सिंचान थोड़ा सबर कर यार, बस अभी 2 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। बस भाई यहाँ से राइट मारना है और आगे से लेफ्ट मार कर तेरे घर पे जाएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है थोड़ा जल्दी करो यार, मुझे तो लगता है यार उन्होंने मेरे पापा को बड़ी जोर से मारा होगा। अरे भाई सिंचान तू इतनी ज्यादा फिकर भी मत कर यार, मैं हूं ना तेरे साथ, बस अभी तू देख कर हम लोग तेरे घर पे जाएंगे और भाई बस 2 मिनट के अंदर तेरे पापा को बचा कर लेकर आएंगे। क्या यार तुम 100 करोड़ भरने वाले हो? अरे नहीं भाई कोई 100 करोड़ नहीं भरने वाला, ये देख भाई पहुंच गए हम लोग तेरे घर पे। अरे हाँ यार पहुंच तो गए, बट यार मेरी मम्मी और पिंचन कहाँ पर है? अरे वो तो ये देख भाई ये रहे यहाँ पर। अरे यार चलो यार पहले उनसे बात करता है। वेलकम भाई, हेलो भाई पिंचन कैसा है तू? अरे यार फ्रैंकी मैम मेरी हालत तो छोड़ो यार, मेरी मम्मी की हालत देखो, सुबह से यार मेरी मम्मी रोई जा रही है। अब यार तुम्हें मुझे बताओ हम लोग हमारे पापा को कैसे बचाएंगे? अरे हाँ हाँ भाई फिकर ना करियो, हम लोग यार कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेंगे। तो मुझे बता भाई वो डगन बॉस रहता कहाँ पर है? फ्रैंकली भाई वो तो यार आपको पता है यहाँ पर एक बंद पड़ा हुआ एयरपोर्ट है। अच्छा हाँ वो छोटा सा एयरपोर्ट, हाँ बिल्कुल यार वहीं पर उसका अड्डा है। हाँ तो चलो ना भाई जाकर इसे बात कर लेते हैं। बट यार फ्रैंकली भाई मेरी बात तो सुनो। अरे कोई बात बात नहीं भाई, तुम लोग आओ भाई फटाफट से बैठो। फ्रैंकली भैया मैं तो अपनी मम्मी को छोड़ के आ नहीं सकता। अरे तो आ जा भाई पिंचर, मुझे दिखा वो कहाँ पर है। वैसे तो भाई मुझे बस पता है उसका एड्रेस नहीं पता मुझे। अच्छा चलो आई जाता हूँ। वैसे यार सिंचन भैया तुम कैसे हो जरा मुझे बताओगे? अरे यार पिंचन मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू मुझे बता यार हमारे पापा को उस डगन बॉस ने मारा तो नहीं ना? अरे नहीं सिंचन भैया उन्होंने मारा तो नहीं था, बट यार वहाँ पर ले जाकर मारा या फिर नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता। अब भाई यार तुम लोग वो सब छोड़ो भाई, मुझे बड़ा सा एड्रेस बताओ। फ्रैंकली भैया तुम एक काम करो यहाँ से राइट मारो और यार राइट मार के वापस से राइट मार लेना, फिर यार उसके बाद में मैं आपको आगे का रास्ता बताऊंगा। अच्छा ठीक है भाई। भाई ये पिंचन ने कहा था यार यहाँ से राइट मारना है, चलो भाई ये राइट तो आ गया। अब बता भाई पिंचन क्या करना है? चलो यार फ्रैंकली भैया आगे से भी हमें राइट ही मार रहा है, जब मैं आपको बोलूंगा तभी। अच्छा ठीक है भाई, तो चलो गाइस यार फटाफट चलते हैं यार पिंचन और सिंचन के पापा को बचाने के लिए। लेट्स गो। फ्रैंकली भाई यहाँ से राइट मारना है? अच्छा यहाँ से, बिल्कुल यार ये देखो यहीं से रास्ता अंदर जाने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, बट यार यहाँ पर एयरपोर्ट है भाई, मुझे तो पता नहीं था यार। बस यार मैंने सुना यार यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट है। यार कोई बात नहीं गाइस, ये देखो फ्रैंकली भाई यहाँ पर अंदर होंगे बोलो। अच्छा ये है तेरे पापा? हाँ बिल्कुल यार फ्रैंकली भाई ये देखो ये रहे मेरे पापा। अरे वो देखो यार उन्होंने मेरे पापा को कैसे कैदी बनाकर रखा हुआ है। अबे हाँ गाइस बोलो ये देखो भाई, ये तो सिंचन बिंचन के पापा है। अरे अंकल आप ठीक हो ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन मैं ठीक हूँ, बस यार इन्होंने 2 बार लाते घुसे मारी है मुझे। अरे अरे अंकल आप फिकर मत करो मैं आपको छुड़ा लूंगा। अरे ऐसे कैसे छुड़ा लोगे तुम इनको? और यार तुम हो कौन जरा बताओगे मुझे? अरे बोला कौन भाई? अरे मैं बोल रहा डगन बॉस। अच्छा तू है डगन बॉस? अरे बिल्कुल यार मैं हूँ डगन बॉस। तू मुझे एक बात बता भाई, तूने यार ऐसे कैसे पकड़ लिया सिंचन के पापा को? अरे यार पकड़ो ना तो क्या करूँ, ये साला बुड्ढा हो गया फिर भी यार इसने अभी तक मेरे पैसे लौटा ही नहीं है। अरे कितने पैसे भाई? इन्होंने मुझसे कर्जा ले रखा था एक टाइम पे 100 करोड़, और यार इंटरेस्ट जोड़कर होता है 150 करोड़। क्या कहा 150 करोड़? भाई तुझे पता भी है 150 करोड़ कितने होते हैं? अरे बिल्कुल यार मुझे पता है, बट यार इस बुड्ढे को भी पता है उसको 150 करोड़ देने हैं। बट यार आज सुबह जब मैं इसके पास मांगने गया इसने सीधा देने से मना ही कर दिया यार, ये भला कोई बात होती है? अरे हाँ यार बात तो सही है यार। यार सिंचन पिंचन के पापा आप मुझे एक बात बताओ यार, आपने इनको मना कैसे कर दिया? अरे फ्रैंकली मैंने मना नहीं किया था, मैंने बस इतना ही कहा था यार फिलहाल के लिए मेरे पास 150 करोड़ है नहीं, मैं यार बहुत सारी खेती करूंगा और यार पैसे जमा करके दे दूंगा ऐसे कहा था, तो यार इन्होंने सीधा मुझे उठा ही लिया। अरे हाँ यार देखा, ये सिंचन पिंचन के पापा ने कहा था यार वो मेहनत करके दे देंगे तुम्हारे पैसे, तो भाई छोड़ना था ना इनको। अरे यार ऐसे कैसे छोड़ दूं, पहले यार तुम उनकी उम्र देखो यार, बुड्ढे हुए वो, और यार तुम्हें लगता है वो इस उम्र में 150 करोड़ दे पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता वो दे पाएंगे, इसलिए यार मैंने उनको कहा कि अपने घर को बेचो और यार मेरे पैसे लौटा दो, वैसे मेरा भी उस घर की कीमत होगी 200 करोड़। क्या कहा 200 करोड़ तो बेच दो ना यार। अरे नहीं फ्रैंकली भाई हम लोग नहीं बेच सकते, अगर हम लोगों ने इस घर को बेच दिया तो हमारे पास बचेगा क्या? अब हाँ यार बात तो सही है, वैसे भी यार उन्होंने वो जो कर्जा ले रखा था वो घर के लिए ले रखा था। अरे हाँ तो बेच देना घर को और यार आ जाओ रास्ते के ऊपर और मांगो लोगों से भीख। अबे यार ये तो कैसी कैसी बातें कर रहा है यार। वैसे भाई तू एक काम कर यार, फिलहाल के लिए उनको छोड़ दे, मैं भाई कोई ना कोई तो रास्ता निकाल कर तेरे 150 करोड़ रुपए दे दूंगा। अरे यार ऐसे कैसे दोगे यार तुम? तुम एक काम करो आज क्या 150 करोड़ रुपए लाकर मेरे सामने रख दो, नहीं तो यार मैं इनको छोड़ने नहीं वाला। अब यार क्यों नहीं छोड़ेगा यार तू? भाई मैंने तुझे प्रॉमिस किया ना दे दूंगा मैं। अरे नहीं यार मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम बस यार किसी भी हालत में 150 करोड़ दो, नहीं तो यार ये आज के बाद कभी छूटने नहीं वाले मेरे पास है। ये मेरे घर के अंदर नौकर वाला काम करेंगे, नौकर वाला
वाला। अरे यार पेंगी भाई, ये तो मेरे पापा को नौकर बनाने की बातें कर रहा है। अबे बिल्कुल यार, वो तो मैं भी सुन रहा हूँ यार। यार गाइस, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अबे यार ये तो ज्यादा हो रहा है भाई। ये डगन बॉस जो है भाई, सिंचन पिंचन के पापा को नौकर बनाने की बात ही कर रहा है, या तो गलत बात है यार। गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर। अगर गाइस यार ये किसी के भी पापा के ऊपर हो, तब तो यार हर किसी को गुस्सा आएगा ही। और यार ऊपर से तो भाई मेरे छोटे भाई सिंचन के ऊपर आ रहा है यार। यार कुछ तो करना पड़ेगा अभी। हाँ तो यार करो ना पेंगी भाई, कहीं से तो पैसे लाओ। अब यार बट कहाँ से लाएंगे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूँ, रुको भाई उसे थोड़ा टाइम लेकर देखता हूँ। अरे भाई मुझे एक बात बता, मुझे 150 करोड़ कब तक देना है? तुम यार जब चाहे दे सकते हो। अगर आज के आज दोगे तो यार मैं इसके पापा को सीधा छोड़ दूंगा। अगर कल दोगे तो तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे 200 करोड़ रुपए। अबे अब ऐसा क्यों? अरे वो तो बस ऐसे ही, अगर तुम मेरे आज के आज पैसे लौटा दे तो बढ़िया बात है, नहीं तो कल 200 करोड़ रुपए लेकर आ जाना। अबे यार ये तो ज्यादा कर रहा है यार। खैर गाइस कोई बात नहीं, आज के आज यार मैं किसी भी हालत में 200 करोड़ लेकर आऊंगा। बट यार कहाँ से लाओगे 200 करोड़, जरा मुझे बताओगे? अरे सॉरी भाई, 200 नहीं 150 करोड़। अच्छा ठीक है, 150 तो 150, बट यार कहाँ से लाओगे जरा मुझे बताओगे? वो तो यार दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार गाइस। एक काम करता भाई, कहीं से चोरी वोरी करूँ? अरे नहीं यार चोरी वोरी मत करो फ्रेंकली भी, अगर आपको भी पकड़ लिया तब तो यार हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। अबे हाँ यार वो भी बात है। अब यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार। काश गाइस यार हमारे पास भाई बहुत सारे पैसे होते, फिर तो भाई मजा ही मजा आ जाता यार। तो फ्रेंकली भाई मुझे अभी ऐसा लगता है हमें हमारे घर को फेंकना ही पड़ेगा। हाँ भाई फेंकना तो पड़ेगा यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इनके घर को फेंक कर देखते हैं। अच्छा ठीक है चलो। बट एक सेकंड भाई, यहाँ पर ये क्या है? गाइस तुम लोग ये देखो भाई, यहाँ पर तो एक केज रखा हुआ है और भाई साहब उसके अंदर किसी चीज को बंद करके रखा हुआ है। एक सेकंड भाई, ये तो रैबिट है। क्या कर रैबिट? बिल्कुल भाई यहाँ पर ये देखो यार, ये तो एक रैबिट है और भाई इस रैबिट को तो यहाँ पर पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है। अरे भाई रैबिट तुझे किसने बंद कर दिया? अरे यार मुझे तो बंद करके रख दिया एक इंसान ने। प्लीज यार तुम एक काम कर दो यार, मेरी मदद कर दो और यार मुझे इसके अंदर से बाहर निकालो। अबे पर कैसे निकालूंगा भाई, इसका ताला तो मेरे पास भी नहीं है यार। प्लीज यार किसी भी हालत में निकालो यार मुझे यहाँ से बाहर, तब यार मैं तुम्हारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। क्या कहा, सारी इच्छाएं पूरी करेगा? अरे बिल्कुल यार, प्लीज यार मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ ठीक है भाई चल बाहर निकाल ही देता हूँ। अगर भाई मुझे किसी ने पकड़ लिया ना भाई दिक्कत हो जाएगी। अरे कोई नहीं, तुम्हें कुछ भी बोलेगा, वो इंसान तो अपनी गाड़ी लेने के लिए गया, वहाँ पे आ गए। अच्छा ठीक है भाई, रुक जा भाई, यहाँ पर आई थिंक इसका लॉक है। रुक जा भाई, इसको बाहर निकाल के देखता हूँ। एक सेकंड भाई खुल जा यार। अब भाई यार ये तो खुलने का नाम नहीं ले रहा यार। आ रहा है भाई, मुझे बताएगा कैसे खुलना है इसको? आ रहा है, ये देखो नीचे की साइड गोलियां मारो, खुल जाएगा ये। अच्छा ठीक है भाई अभी मारता हूँ, 1 2 3 यहाँ पर मारी गोलियां और यार लो खुल गया केज। अरे हाँ गाइस तुम लोग देख रहे हो, लिटरली केज तो खुल गया। आजा आजा भाई फटाफट से बाहर आजा। और यार दिखा भाई तो हमारी कैसी इच्छाएं पूरी करेगा? अरे वो तो मैं अपने मैजिकल पावर से करूंगा। रुक जा मुझे बाहर आने दो। हाँ भाई आजा आजा फटाफट से आजा बाहर। चलो यार आ ही गया। अब यार मुझे बता तुम्हें क्या चाहिए? हाँ मुझे तो भाई बहुत सारी चीजें चाहिए, बट यार मुझे पहले तो एक बात बता भाई, तू मुझे पागल तो नहीं बना रहा? हाँ पेंगी भाई मुझे तो लगता है ये रैबिट हमें पागल बना रहा है। अरे मैं कोई रैबिट नहीं हूँ, मेरा नाम है बनी। बनी क्या कहा? बनी? और बिल्कुल यार मैं गाजर खाता हूँ, गाजर। अच्छा ठीक है भाई तू जो भी खाता हो, मुझे बता भाई तूने क्या कहा था, तू मेरी इच्छाएं पूरी करेगा? अरे बिल्कुल यार, तुम यार बस मांगो तो सही, मुझसे तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा मैं। अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम कर भाई, मुझे ऐसी चीजें दे दे जिसका इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं। अरे चलो पैसे दे दे तो मैं क्या कहा सीधा पैसे दे सकता है। अरे बिल्कुल यार, ओम ड्रीम शेम, यहाँ पर बहुत सारे पैसे आ जाए, ड्रीम ड्रीम ड्रीम। अरे भाई तेरे बोलने से थोड़ी पैसे आ जाएंगे? एक सेकंड भाई पैसे तो आ गए यहाँ पर। हाँ पेंगी भाई तुम देख रहे हो यहाँ पर तो ढेर सारे पैसे आ गए। बिल्कुल भाई वो तो मैं देख ही रहा हूँ यार। गाइस तुम लोग ये चेक करो भाई, यहाँ पर लिटरली कितने सारे पैसे है। अब भाई यार बनी मुझे एक बात बता भाई, तूने कैसे किया? अरे वो तो आपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके किया। हाँ तो भाई काम कर दे, मुझे भी तेरी जरा मैजिकल पावर दे दे। अरे पर यार दिक्कत है। अरे कौन सी दिक्कत है भाई, अगर मैं तुम्हें पावर दे दूँ तो यार ये पावर तुम्हारे पास बस 1 महीने के लिए रहेगी। अरे ठीक है ना भाई, 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, तू बस दे दे यार ये पावर मुझे। अच्छा ठीक है अभी देता हूँ। ओम प्रेम श्रेम, इस बच्चे की प्रॉब्लम हो जाए आइसक्रीम। अरे भाई तूने ये क्या बोला अभी? और एक सेकंड भाई, मेरे अंदर से कोई अजीब टाइप की रोशनी आ रही ना? हाँ पेंगी भाई बिल्कुल यार, आपके अंदर से गोल्डन कलर की रोशनी आ रही है। अरे हाँ हाँ ये तो आ रही है यार। बट यार बने आप मुझे पता भाई मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ यार तुम भी बिल्कुल मेरी जरा जो चाहे मांग लो, तुम्हारे सामने वो चीजें आ जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करता गाइस यार, कुछ बढ़िया वाली चीज मांग के देखता हूँ। तो चलो आप एक काम करो, यहाँ पर आप एकदम मस्त वाली ऐसी भी आ जाए, वो भी प्योर गोल्ड की। और यार ये चेक करो गाइस यार, यहाँ पर तो ऑडी आ गई, वो भी गोल्ड की यार। अरे वाह भाई बने, थैंक यू सो मच यार, क्या बढ़िया पावर दे दी तूने तो। अरे बिल्कुल यार, जाओ जाओ मजे करो और यार जो चाहे मांग लो। अच्छा ठीक है भाई आ जाओ भाई, सिंचान पिंचान बैठ जाओ, अभी जाकर तुम्हारे पापा को बचाते हैं। अच्छा ठीक है चलो चलो, बिल्कुल भाई अभी जाकर बचाएंगे, लेट्स गो गाइस। अब तो मजा आने वाला यार, सिंचान पिंचान के पापा को मैं बचाऊंगा यार। बट यार वो जगह कहाँ गई? अरे यार पेंगी भाई यहाँ से बस सीधा अंदर ले लो, हम लोग सीधा उस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई अभी लेता हूँ, लेट्स गो गाइस। अब तो यार मुझसे रुका
उड़ाने जा रहा है यार इन पावर का इस्तेमाल करके। तुम लोग बस देखो यार अभी उस डगन बॉस के कैसे होश उड़ा देता भाई, मजा आने वाला है। लेट्स गो भाई, ये रहा वो शेड जहाँ पर वो था। बट यार ये गोल्ड की ऑडी चेक करो भाई, क्या ब्यूटीफुल लग रही है भाई। लॉस एंडस के अंदर पहली ऐसी गाड़ी होगी। बट यार पहले तो आओ भाई जाकर सिंचन पिंचन के पापा को बचाते हैं। अरे डगन बॉस भाई मैं तेरे पैसे लेकर आ गया। इतने जल्दी लेकर आ गए? अरे बिल्कुल भाई, तू देख अब मैं क्या करता हूँ। तो चलो अब एक काम करो, यहाँ पर अभी फटाफट से 150 करोड़ रुपए आ जाए। अरे ये क्या यार, तुम तो सच्ची में लेकर आ गए इतने सारे पैसे। अरे बिल्कुल भाई, तो अभी ले ले ये पैसों को और भाई मजे कर ले। अरे यार थैंक यू सो मच यार। अरे पर फ्रैंकली तुमने इतने सारे पैसे लाए कहां से? अरे सिंचन विंचन के पापा फिकर मत करो यार, मैं हूं आपके साथ। अब बस देखो अभी मैं आपके लिए क्या करता हूँ। अरे क्या करोगे जरा बताओगे? अरे यार पापा आप ज्यादा सवाल मत पूछो, आप यार बस फटाफट से कार के अंदर बैठो। अच्छा ठीक है, वैसे कार का कलर गोल्डन कलर का क्यों है? अरे क्योंकि भाई ये कार गोल्ड की है। क्या बात कर रहे हो, गोल्ड की कार? फ्रैंकलिन बच्चे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए जरा बताओगे? अरे वो तो यार बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, वो आपको बाद में पिंचाई समझा देगा। हाँ पापा मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप यार फिलहाल के लिए ज्यादा सवाल मत पूछो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल भाई पिंचाई ने सही कहा, हमारे पास फिलहाल के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। आपके लिए यार अभी मैं बहुत सारा गोल्ड डायमंड पैसा और भाई महंगी महंगी गाड़ियां मंगवा दूंगा, और भाई बाद में अपने घर पे चला जाऊंगा सिंचन को लेकर। नहीं नहीं फ्रैंकी भाई, मैं तो यहीं पर रहूंगा अपने पापा के पास, क्योंकि यार आपने जो आज मेरे पापा की जान जो बचाई है। अच्छा ठीक है भाई सिंचन, तू भी यहाँ पर रहियो, बट यार बाद में घर पे आ जाना भाई, तेरे लिए मैं बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें मंगवा कर रख दूंगा। अच्छा ठीक है फ्रैंकली भैया, बट यार फिलहाल तो गाइस यार यहाँ पर देखो आप मैं क्या करता हूँ। तो चलो आप एक काम करो, यहाँ पर भाभी फटाफट से बहुत सारा गोल्ड डायमंड और भाई महंगी महंगी गाड़ी आ जाए। और यार ये देखो गाइस यहाँ पर आ चुका है कितना सारा गोल्ड डायमंड। भाई तुम लोग देख रहे हो डायमंड कैसे चमक रहा है भाई साहब, क्या ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अरे वाह भाई मजा आ गया यार, अब तो यार गाइस ऐसा लगता है भाई साहब सिंचन पिंचन के पापा यार लॉस सेंटर्स के बहुत बड़े बिलियनर बन गए। अरे बिल्कुल यार, बट ये हुआ कैसे? पापा चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, फ्रैंकली भी अभी आप जा सकते हो। अच्छा ठीक है भाई सिंचन, मैं तो जा रहा हूँ, और घर पे जाकर आपने लिए भी एकदम बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मंगवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है फ्रैंकली भी, मैं बाद में आ जाऊंगा घर पे। ठीक है भाई, तो चलो गाइस अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते भाई अपने घर पे, और घर पे जाकर भाई मस्त मस्त वाली चीजें मंगवाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ गाइस यार घर पे नहीं चलता हूँ, उससे पहले यार एक काम करता हूँ, अपने लिए एकदम बड़ा सा मेंशन खरीदता हूँ। हाँ भाई ये बढ़िया रहेगा, एक काम करता हूँ पहले तो खरीदता एक बड़ा सा मेंशन, और इसके अंदर मंगवाता बाद में बहुत सारा गोल्ड डायमंड पैसा, और भाई और भी बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी चीजें मंगवाऊंगा। तो चलो गाइस एक काम करता हूँ, सीधा मिलता एक बड़ा सा मेंशन खरीद के, लेट्स गो। तो गाइस यार पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं, और यार इन 2 घंटों के अंदर आपको देखना है मैंने क्या क्या किया है। चलो मैं आप सभी को दिखाई देता हूँ। तो ये देखो गाइस, सबसे पहले मैंने खरीद लिया ये बड़ा सा मेंशन, इसकी कीमत है भाई पूरे 1000 करोड़ रुपए। हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, तुम लोग एक बार चेक करो भाई ये कितना बड़ा मेंशन है भाई। इसके एंट्रेंस में भाई साहब कितनी बड़ी पार्किंग है भाई, यहाँ पर मैंने कितनी सारी गाड़ियां मंगवा कर रख दी है भाई, मजा आ गया। इस तरह भी गाइस यार आधा मेंशन है। चलो यार आप सभी को पहले वो दिखा देता हूँ, लेट्स गो भाई। आप लोग तो यार पागल हो जाओगे इसको देखकर भाई, देख रहे हो कितना बड़ा मेंशन है। यहाँ पर गाइस यार इस छोटी वाली साइड में सिंचन रहेगा, और भाई थोड़े आगे के साइड में चौप रह लेगा, और ये जो बगल वाला है गाइस यार यहाँ पर मैं रहूंगा, क्योंकि भाई मैं सबसे बड़ा जो हूँ। ये देखो गाइस कितना बड़ा मेंशन है भाई, एक दिन यार गाइस आप सभी को इस मेंशन का होम टूर दूंगा मैं। बट यार पहले तो आप लोग ये भी चेक करो भाई, यहाँ पर 101 बढ़िया बढ़िया सुपर कार्स मैंने मंगवा कर रख दी है, और भाई यहाँ पर इंटरनल पार्किंग भी है जो कि गाइस यार थोड़ी ठीक ठाक ही है, मतलब यार थोड़ी खराब हो रखी है, इसको बाद में रिपेयर करवा लूंगा। और ये देखो गाइस अपने घर से भी बहुत बड़ा गार्डन, कितना बड़ा गार्डन है भाई तुम लोग देखो भाई। और यहाँ पर मैंने गोल्ड ही गोल्ड मंगवा कर रख दिया है, और यार साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मैंने पैसे भी मंगवा कर रख दिए, ताकि गाइस यार 1 महीने बाद मेरी ये पावर भी चली जाए, फिर तो यार मुझे जरा भी फर्क ना पड़े, क्योंकि भाई फिलहाल के लिए मेरे पास इतना सारा गोल्ड और पैसे जो है, फिर भी यार गाइस मैं ट्राई करूंगा और भी यार ऐसे बड़े बड़े मेंशन खरीदूं, और इसके बाद में भाई उसके अंदर भी बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां पैसे गोल्ड डायमंड सब कुछ मंगवा कर रख दूं, ताकि भाई मैं जिंदगी में कभी भी गरीब ना बनूं। बट यार गाइस आप लोग चाहते हो भाई सब ये सब कुछ फटाफट से हो जाए, तो एक काम कर दो गाइस फटाफट से अभी का वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही, मैं आरसिन चैनल मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।